नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड की बुक्स को लेकर। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है, बहुत ज्यादा ये कमेंट्स आते हैं कि बीएड में कौन सी बुक ली जाए। साथ साथ एक कंफ्यूजन ये भी रहता है कि क्वेश्चन बैंक से तैयारी करें या बुक से तैयारी करें, कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा क्वेश्चन बैंक ले या कौन से राइटर की बुक ले। तो इस तरह के क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं ये सही सब बिल्कुल क्लियर करने वाली हूँ। आप चाहे बीएड फर्स्ट ईयर में है, चाहे आप बीएड सेकंड ईयर में है, आपको बीएड के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए या कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, ये मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से मैं लेते शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें बुक्स की, सबसे पहले हम अगर बात कर रहे हैं बुक्स की, बुक्स कौन सी लेनी चाहिए, तो यहाँ पर जब हम ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन पर या प्रोफेशनल लेवल कोर्सेज में आ जाते हैं, तब वहाँ पर बुक्स में लेने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि कई बार हमें जो बुक मिलती है वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल मिल जाती है, यानी कि थोड़ा रिसर्च वर्क की मिल जाती है या थोड़ा हाई लेवल की मिल जाती है, जिसमें कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। बुक सही होती है बिल्कुल, आपके सारे टॉपिक्स भी होते हैं, लेकिन उसमें कुछ एडवांस टॉपिक भी होते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होते हैं जो आपको जरूरत नहीं है। तो वो बुक लेने की या इतनी मोटी मोटी बुक्स लेने की आपको कोई भी जरूरत नहीं। बुक्स लेते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप बुक लेने जाए आपका सिलेबस आपके पास होगा। सिलेबस मैंने कल की वीडियोज में और परसों की वीडियो में डिस्कस किया था, बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का। अगर आपको आपका सिलेबस नहीं पता सीसीएस यूनिवर्सिटी का, तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, वहां से आपको वो सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, सभी वीडियोस जो है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी पर भेज रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो दूसरा आपका जो कॉलेज है, ठीक है, या आपके कॉलेज के आसपास कोई भी कॉपी बुक्स का कोई स्टोर होगा, तो वहां पर इस तरह का बीएड का जो सिलेबस का मिल जाएगा कॉपी, 5 रुपए में 10 रुपए में इजीली मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। आपके कॉलेज में भी मिल जाएगी तो कोई दिक्कत। अब इस जब आप इस सिलेबस में देखेंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट में यूनिट वाइज ये दिया हुआ है कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल बीएड फर्स्ट ईयर का एक एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पेपर है, ये हिंदी में है, इसी तरह इंग्लिश में मिल जाता है। फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में आप देख पा रहे होंगे यूनिट वाइज लिखा हुआ है कि आपका सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है। तो जब भी आप बुक लेने जाएं, इससे आप थोड़ा सा मैच करा लें कि भाई इसी पैटर्न पर बेस्ड हो, लेटेस्ट हो, इसी पैटर्न पर बेस्ड हो, कोई भी एक्स्ट्रा फालतू के टॉपिक्स ना हो जो आपके लिए जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा एडवांस पढ़ने की कोशिश करेंगे वो भी दिक्कत है, वो भी एक नेगेटिव पॉइंट्स है कि आप मेन मुद्दे से भटक जाएंगे और कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ता है। ठीक है, तो एक ही तो ये पॉइंट रहा सबसे बड़ा कि जब भी आप बुक लेने जाए तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिए। अब अगर राइटर की बात करें आप प्रॉपरली, तो देखिए सभी राइटर्स की सही होती है, लेकिन मेन क्या फर्क पड़ता है, उनकी लैंग्वेज का, भाषा का फर्क पड़ता है। अब आपको किसी राइटर ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत इजी होती है, समझने में आसान होती है, कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ा लैंग्वेज होती है वो थोड़ा डिफिकल्ट होती है, समझने में थोड़ा मुश्किल होती है। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो बीएड के अंदर आर लाल की बुक सबसे ज्यादा चलती है, मोस्टली सभी सब्जेक्ट्स की, सब्जेक्ट के अलग अलग नहीं है कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग मैं बताऊँ, मोस्टली आर लाल की बुक्स चलती है। इसके अलावा मैं एक दो राइटर्स और बता रही हूँ ताकि उनमें से जो भी बुक आपको मिले वो आप ले सकते हैं, उनमें से किसी भी राइटर की बुक मिले आप ले सकते हैं। जैसे कि एक होती है ए बी भटनागर की, ए बी भटनागर की आपको बुक्स मिल जाएंगी, कुछ कुछ बुक्स आपको ग्रीस पचौरी की मिल जाएंगी, लिख सकते हैं आप एक जगह, मैं आपको यहाँ पर भी लिख दूंगी, ग्रीस पचौरी की, ए बी भटनागर की, रमन लाल बिहारी की। तो इनमें से कोई भी बुक आपको मिले तो वो आप ले सकते हैं। बस एक बार बुक को खोलकर इंडेक्स को चेक करके ये जरूर चेक कर लीजिएगा वो इंडेक्स आपके लेवल का है कि नहीं, बीएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये जरूर आप जो है वो चेक कर लीजिएगा। तो बुक्स की तो ये बात रही जहां तक, जहां तक बात है क्वेश्चन बैंक की, तो क्वेश्चन बैंक दो ही आते हैं, एक तो विद्या का और एक सूर्य का। ठीक है, विद्या का या सूर्य का, अगर आप इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको सूर्य के ही मिलेंगे। अगर इन केस आप इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ सूर्य का ही क्वेश्चन बैंक मिलेगा। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आप सूर्य या विद्या दोनों के ऑप्शन आपके पास है। अब बात आए तो कौन से क्वेश्चन बैंक ज्यादा अच्छा है, तो मेरा पर्सनल चॉइस जो है वो विद्या का क्वेश्चन बैंक ज्यादा बेटर रहता है सूर्य से, क्योंकि सूर्य के क्वेश्चन बैंक की जो लैंग्वेज है वो कुछ नहीं पता चलता कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। एक तो होता है कि लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट होना नेक्स्ट लेवल में, एक एक लैंग्वेज में ये नहीं समझ में आता कि क्या कहना चाह रहे हैं, तो उनका लैंग्वेज बहुत ज्यादा मुझे सही नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो विद्या का क्वेश्चन बैंक ज्यादा प्रेफरेबल रहता है, मैंने अपना सिर्फ, ये तो मेरी पर्सनल चॉइस है। इसके अलावा मैंने बाकी स्टूडेंट से भी बात की जिनका इंग्लिश मीडियम है या जो हिंदी में ही क्वेश्चन बैंक सूर्य का लेते, तो उन्होंने भी ये कहा कि सूर्य का क्वेश्चन बैंक लिया लेकिन कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ क्या शुरू हो रहा है और क्या खत्म हो रहा है या क्या बात चल रही है क्या बात नहीं चल रही है, वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर चल जाते हैं।
तो अगर क्वेश्चन बैंक में कंपैरिजन हो तो विद्या का ज्यादा बेस्ट रहता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको तो सूर्य का ही मिलेगा क्योंकि विद्या का इंग्लिश के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज रही। अब बात आती है कि क्वेश्चन बैंक या बुक दोनों में से कौन सी ले। देखिए अभी आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर का अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है, कुछ में तो कॉलेजेस में क्लास स्टार्ट हो गई होगी, कुछ कॉलेज में स्टार्ट भी नहीं हुई होगी, तो अभी सिर्फ आपका स्टार्टिंग है, बहुत सारा आपके पास टाइम है, पूरा सेशन है, पूरा ईयर, ठीक है, 6-7 महीने आपके पास आराम से। तो अगर आप बुक्स लेते हैं इजीली आप बुक्स को कवर कर सकते हैं, और बुक को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया क्वेश्चन बैंक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन केस आप उन स्टूडेंट्स में से है जो कि अभी आप अपनी तैयारी कुछ नहीं करेंगे और एंड में जब एग्जाम आ जाए 10 दिन पहले 15 दिन पहले आपको अगर चाहिए इसकी सारा कुछ कवर हो जाए तब आप क्वेश्चन बैंक पर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में सही तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो बुक हमेशा ज्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि बुक में क्या है कि आपको सारी नॉलेज सीक्वेंस वाइज मिलती है। सीक्वेंस वाइज कैसे, मान लीजिए एक टॉपिक है मेकाले, तो मेकाले सबसे पहले मेकाले के बारे में, फिर उसके बाद वो मेकाले भारत क्यों आए, कब आए, कैसे आए, सीक्वेंस वाइज चीजें मिलेगी। क्वेश्चन बैंक में क्या होगा कि पहले क्वेश्चन ये होगा कि मेकाले ने शिक्षा में क्या योगदान दिया इसके बारे में बताइए, तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाएगा कि मेकाले का विवरण पत्र क्या है, तब वो दोबारा से चीजें रिपीट होंगी, तो आधी चीजें तो रिपीट हो जाती है क्वेश्चन वाइज, क्योंकि उसमें क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, कुछ आगे पीछे भी हो जाता है, तो समझने में मुश्किल होती है, याद करने में मुश्किल होती है, और बीएड का कंटेंट तो ऑलरेडी है ही ऐसा जिसको समझने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में अजीब लगता है। तो अगर आप बुक लेते हैं, बुक में क्या होता है कि पूरा स्टोरी वाइज आपको पता लगता है, आपको पूरी कहानी पता चलती है कि भाई यहाँ क्या हुआ, कैसे हो, किस तरीके से हुआ, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार स्टोरी पढ़ी आपको पता चल गया कि क्या है क्या नहीं है, समझ में आ जाता है, तो बुक का यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंग बुक्स ज्यादा प्रेफर करूंगी क्वेश्चन बैंक के अलावा। अगर आप ज्यादा है कि अभी बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है और एग्जाम टाइमिंग में पढ़ना है तब आप क्वेश्चन बैंक पर जाइएगा, बाकी आपको बुक्स जो है वो ज्यादा बेटर रहेंगी। इसके अलावा अगर आप स्पर्श क्लासेस के नोट्स वगैरह ले रहे हैं या स्पर्श क्लासेस के क्लासेस ले रहे हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट भी हैं और अब क्लासेस आपकी न्यू भी स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर नई क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है, पेड क्लासेस भी चल रही हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। बुक्स तो जरूरत होती है, देखिए अगर मैं ये कहूँ या कोई भी आपको ये कहे चैनल पे कि आप हमारा पढ़ लो बुक्स की जरूरत नहीं है तो बिल्कुल गलत है। बुक्स की तो जरूरत है ताकि आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज मिल सके, आपको लैंग्वेज बनाने का पता चल सके, यहाँ से आपको टॉपिक की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, टॉपिक समझ आ जाएगा, टॉपिक को लिखने का तरीका बताएंगे, सब बताएंगे, लेकिन बुक्स रीड करने से आपको रीडिंग हैबिट डेवलप होती है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो बुक्स तो लेनी ही चाहिए अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ना चाहते हैं, तो बुक्स तो लेनी ही चाहिए। बाकी अगर आपको ये है कि सिर्फ ये हो जाए कि बीएड में अच्छे मार्क्स आ जाए या बुक्स रीडिंग करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो क्लासेस के साथ भी आपका जो है काम बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ, कोई ये कहे कि हमारे नोट्स ले लो और बुक की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है, बुक से अपना अलग ही एनहेंसमेंट होता है, अलग ही इम्प्रूवमेंट होती है। हाँ, आप बुक के बिना पास हो जाओगे, बहुत अच्छे परसेंटेज भी आ जाएंगे, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाती जो कि रियलिटी में होनी चाहिए। तो बुक्स मैं जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर रीड करें। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक की आपको कोई खास जरूरत नहीं है, आप नोट्स वगैरह से करेंगे तो उसी में से आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्पर्श क्लासेस की पेड कोर्सेज में जो भी क्लासेस चल रही है उसमें सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस चल रही है, फर्स्ट ईयर का तो अभी नहीं स्टार्ट हुआ, जल्दी होने वाला है, सेकंड ईयर की क्लासेस चल रही है, सीक्वेंस वाइज एक एक सब्जेक्ट को सारे टॉपिक्स कराए जा रहे हैं, डिटेल में कराए जा रहे हैं, वहां से अलग कोई भी आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा क्वेश्चन, वहीं से आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मेरे को यही बताना था कि आपको बुक्स लेनी है या क्वेश्चन बैंक लेना है, या कौन सा क्वेश्चन बैंक ले, कौन सी बुक्स ले, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बारे में दोबारा नहीं सोचना है, आज इस वीडियो को देखकर आप फाइनल कर लीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, बुक लेनी है तो कौन सी लेनी है, क्वेश्चन बैंक लेना है तो कौन सी लेना है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, दोबारा इस टॉपिक पर नहीं सोचना है, आज जो डिसीजन ले लेंगे उसको फाइनल कर लेंगे, ताकि बार बार एक ही चीज पर सोच सोच कर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अपने फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसी तरह के और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।